वन परिक्षेत्र बागली अंतर्गत ग्राम पंचायत सेवनिया खुर्द के कुप तालाब के जंगल में वन विभाग द्वारा अनुभूति कैंप कार्यक्रम बुधवार को आयोजित किया गया। इस दौरान में भी बाघ थीम पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान सुबह लगभग 8 बजे से शासकीय माध्यमिक विद्यालय कैलाश नगर के 125 बच्चों को वन विभाग के सभी अधिकारी व कर्मचारियों द्वारा शिक्षकों की उपस्थिति में बच्चों को जंगल भ्रमण कराया गया, जहां पर रेंजर राजन सिंह सोलंकी ने बच्चों को पर्यावरण, पेड़ पौधे व अन्य प्राणियों के बारे में जानकारी दी। साथ ही पर्यावरण पर आधारित प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय आने वाले बच्चों को वन विभाग की ओर से पुरस्कार वितरण किए गए। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। आज अनुभूति प्रोग्राम का बागली रेंज में कार्यक्रम किया गया था। ये दूसरा दिन का कार्यक्रम है। अनुभूति का मुख्य उद्देश्य है जो स्कूली बच्चों को प्रकृति की गोद में ले जाकर संरक्षण और संवर्धन का कार्य करना है। इसका जो बच्चे जंगल में जाते हैं और जंगल में विभिन्न प्रकार की प्रजातियां देखते हैं और रास्ते में आने वाले वन्य प्राणी के संकेत देखते हैं, जो उनके दिमाग में जो भी क्वेरीज आती है उनके हम सॉल्व करते हैं और उनको जंगल का पूरा महत्व बताते हैं कि जंगल एक आम जनमानस के लिए कितना महत्वपूर्ण है। जंगलों से होने वाले फायदे के बारे में बताया जाता है। जंगलों के द्वारा जो वर्षा और मृदा भूजल संरक्षण, मृदा अपरदन के संबंधित जो भी कार्य किया जाता है उसके बारे में बच्चों को समझाया जाता है। इस बार अनुभूति प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य था और थीम थी मैं भी बाघ। इसका मतलब है कि स्कूली बच्चे भी बाघ के जैसे जंगलों का सुरक्षा करें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।